आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। कहिए आज भाई हंसराज ने उन भाइयों के मुंह पे तमाचा मारा है जो सिर्फ लड़का लड़का चाहते हैं, लड़की नहीं चाहते। लड़की होती है तो उसको मरवा देते हैं पेट में ही। आज एक ये सबक ले कि ये सीखे भाई से कि देखो लड़के का तो जन्मदिन सब मनाओ। भाई ने कन्या पैदा हुई एक लक्ष्मी के रूप में और उसने के जन्मदिन के उपलक्ष में भंडारे का आयोजन किया और फिर न्यू कहेंगे भाई अब लड़की ऑन नहीं देते फिर न्यू हमारा छोरा रह गया। ये छोरी आज तो बहु बने हैं, ये छोरी ऑन नहीं देते फिर कितने पे आऊंगे भाई। अब एक भजन उपदेश ये देखिए इसी तरह से कि भाई के दो तीन कन्या हो जाती है, समय बीता भगवान के ऐसे करने हुए उसकी और फिर असमित हो जाती है। तो ये कहता है कि जाइए डॉक्टर से चेकअप करवा, मैं और लड़की नहीं चाहता। वो बेचारी दबाव मार के डॉक्टर के पास चली जाती है और डॉक्टर ने फिर लड़की बताई पेट में गर्म है। चेहरे पे मायूसी वापिस आती है तो उसका पति कहने लगा कि बात कि पतिदेव फिर वही लड़की बताइए न बोला तो जाओ इसी वक्त इसको मरवा दो, साफ करवा सफाई करवा दे, मैं लड़की नहीं चाहता। बहुत विनती करी ये पतिदेव कोई बात नहीं अपना भाग लेकर आओगे लेकिन नहीं माना। दबाव दिया दबाव मार के बाद फिर डॉक्टर की तरफ चलती है तो लोगों अंदर से कन्या का जो भ्रूण था वो आवाज देता है कि माँ योर जुलम क्यों कर, मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या खता है। और वो कन्या का भ्रूण अपनी माँ को आवाज देता पुकारता है कि इस तरह से कैसे कवि ने कैसे क्या बताया है। आई
जरूर आओगा। ये माँ आज मैंने जन्म लेने देगी, कल न मेरे भाई हो गया ना, जब के करूंगी मैं। कैसे क्या 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 बात लगा। सफाई कर रहा जीव तो वो भी है। और आइए, ये तो एक संदेश उपदेश